ये एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आपके लिए और अक्षत जिंदल के लिए, जो कि शायद आपकी आखिरी खूबसूरत यादें बनेंगी। गुड़न जी, हमसे कोई मिलने आया है। जैन सर। जैन, ये लीजिए आपका लिफाफा। क्या है ये? वो है जो अक्षत जिंदल की बर्बादी की शुरुआत करेगा। इसी का इंतजार था हमें। अब सारे खेल खत्म, सिर्फ एक खेल होगा और वो है अक्षत जिंदल की बर्बादी का। हम जानते थे ये दिन अवश्य आएगा। जिस दिन अक्षत जिंदल का सच सामने आएगा और उसे हथकड़ियां पहनाकर सबके सामने बाहर ले जाऊंगा, उस दिन करेंगे अपने अपनी बहन की बरसी की पूजा। वो नहीं जिंदल साहब से अब ये सब छुपाना और सही नहीं होगा। हमें जिंदल साहब को सब कुछ सच सच बताई देना चाहिए, इससे पहले कि और देर हो जाए। हमें जाना चाहिए। क्या हुआ? अब पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, पर देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना हमारी बात, तो हम आपको सब समझा देंगे। देखो कुछ जरूरी बात है तो बोलो, वरना प्लीज मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। नहीं नहीं बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी तो कुछ है भी नहीं। कहो जो कहना है, सुन रहा हूँ। मैं बहुत थक गया, तो जो भी है बोलो, मैं सोना चाहता हूँ उसके बाद। ठीक है, बता देते हैं। बोलो। पर पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि हम पे गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करूँगा, प्लीज बोलो। देखिए बात तो बहुत बड़ी है जो हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर अब नहीं बताएंगे ना तो बात और बड़ी होती जाएगी। अब आप तो रावत जी को अपना दोस्त मानते हैं, इस परिवार का हिस्सा, पर सच इससे कोसों दूर है। वो यहाँ किसी और केस के लिए नहीं, आपको सजा दिलवाने आए। वो आपको अंतरा जी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। हम आपको बता तो बहुत पहले देते, पर वो हमें आपको बताने ही नहीं दे रहे थे, और हमें डरा धमका कर रखा वो अलग, और हमसे जबरदस्ती आपके खिलाफ सबूत ढूंढने को। पर हमें आप पे भरोसा था, हम जानते हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते।
सो गए? हम खुद से बातें कर रहे थे क्या? तो भी हम सोचे, हमने इतना कुछ बोल दिया और आपके मुंह से हूं तक नहीं निकली। इसे अच्छा ही हुआ जो सो गए। रावत जी का सच सुन लेते तो इतने चैन की नींद तो नहीं सो पाता। कल सुबह होते ही हम जिंदल साहब को सब सच बता देंगे। इससे पहले कि रावत जी कोई और बड़ा कदम उठाए, हम और देर नहीं कर सकते। इतनी जल्दी क्या थी आपको ऑफिसर? ये बात तो हम सुबह भी कर सकते थे। बैठो। इस दिन का इंतजार बहुत सालों से था हमें मैम। अपनी जिंदगी का बहुत अहम पल दिए हमने इस केस के लिए। अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकते। हमें आपको अक्षत जिंदल के खिलाफ सबूत दिखाने हैं। ये उसके खिलाफ वारंट है। आपकी इजाजत चाहिए उसे गिरफ्तार करने के लिए। मिल गए आपको सबूत उसके खिलाफ? ऐसे सबूत मिले हैं कि दुनिया का कोई भी वकील उसे नहीं बचा पाएगा। पूरी जिंदगी कारावास में बितानी पड़ेगी। कल सुबह तेरी जिंदगी बदल के रख दूंगा अक्षत जिंदल, ये मेरा दावा है। और तेरी दूसरी बीवी गुड्डन देखेगी तेरी बर्बादी का नजारा। अपनी पुरानी जिंदगी के साथ साथ अपने पुराने शौक भी भूल गए क्या? और हम आपको इतनी आसानी से भूलने नहीं देंगे। मुझे एक एक हाथ नहीं विक्रम, इनफैक्ट मुझे तो याद भी नहीं है कि इन्हें मैंने पिछली बार पहना कब था। चलो हैव अ गुड डे। जिस बीते हुए कल को भूलने की बात कर रहे हो इचे, उस बीते हुए कल का हिस्सा हमारी बहन भी है, कहीं उसे तो नहीं भूल गए? क्या कह रहे हो विक्रम? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अंतरा को कभी भूल नहीं सकता। तो ठीक है, हमारे लिए ना सही, अंतरा के लिए एक एक हाथ हो जाए। आप तो जानते ही हो इसे, अंतरा को कितना आनंद आता था हमारी यूं मुक्केबाजी की प्रतियोगिता को देखकर। अंतरा को हमारे बीच में कंपटीशन देखकर नहीं, मुझे तुम्हें हराते हुए देखकर मजा आता था। तुम्हारा इतना मन है तो why not? बट ये वाले मेरे। लेकिन आज अंतरा हमें जीतते हुए दिखेगी। चलो भाई, तुमने हारने का मन बना ही लिया है तो हो जाए दो दो हाथ। ये तो समय ही बताएगा अक्षत जिंदल कि मैं ये खेल हारता हूं या तुम अपना सब कुछ। क्या आप आज भी हमारी बहन से उतना ही प्यार करते हैं? विक्रम कैसा सवाल है ये? तुम क्या, पूरी दुनिया जानती है कि मेरे लिए अंतरा से बढ़कर कुछ भी नहीं है विक्रम। तो फिर दूसरी शादी, अपनी दूसरी धर्म पत्नी के बारे में क्या ख्याल है? हमारी बहन की जगह किसी और को कैसे कैसे दे सकते हो? क्या कह रहे हो तुम? बंद करो ये बात। विक्रम तुम ठीक हो? विक्रम हो क्या गया तुम्हें? कहना क्या चाहते हो तुम? तुम जानना चाहते हो कि सच क्या है? तो सुनो, तुम जो भी करते हो ना सब सब ढोंग है। हमारी बहन से प्यार करने का ढोंग, झूठे आंसू बहाने का ढोंग, उसे याद करने का ढोंग। विक्रम स्टॉप इट। क्या विक्रम क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप इट। ढोंग है सब था, ढोंग है सब, ढोंग है। स्टॉप इट। ढोंग 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 ढोंग। एजी विक्रम जी, रावत जी, विक्रम क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। विक्रम क्या कर रहे हो तुम? अरे बेटा खेल खेल में चोट लग जाएगी दोनों को। इसी दिन का तो इंतजार था हमें। आज सारा सच सबके समक्ष लाकर ही रहेंगे हम। इसने
इसने हमारी बहन का कत्ल किया। और सजा हम इसे देकर आएंगे। छोड़ दीजिए जिंदल साहब को। इसने हमारी बहन का कत्ल किया, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उठ अक्षत जिंदल, हमारा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। हमारी बहन को जान से मारा, उठ। मैंने मारा अंतरा को, मैंने मारा अंतरा को। रुक जाइए मिस्टर जिंदल। मिस्टर जिंदल छोड़िए विक्रम सर को। तुम्हारा ढोंग और खेल दोनों खत्म। हमें मिले सबूतों के तहत तुमने अपनी पहली पत्नी अंतरा जिंदल के कत्ल के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। हमने कहा था ना गुड्डन जी, हथकड़ी पहनाकर सबके सामने घसीट कर बाहर ले जाएंगे। पर आप जिंदल साहब को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई पागल ही होगा जो एजे पर ऐसा इल्जाम लगाएगा। एजे अंतरा माजी को इतना प्यार करते थे, वो उनका खून क्यों करेंगे? बिल्कुल सही, आपको गलतफहमी हुई होगी। कोई सबूत तो नहीं है ना, तो आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? हटाइए ये हथकड़ी। हटाइए। सबूत चाहिए, अवश्य दिखाएंगे। इस सबूत का तो हमें बरसों से इंतजार था। ये शुभ काम तो बहुत पहले हो जाना था।
ये रहा वो सबूत जिसे हमें बरसों से तलाश थी। जी ने पहले तो ऐसा नहीं बोला था कसिट में। कानून को अपना काम करने दो कुटन। नहीं 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 लल्ला लल्ला आदि आदि I'm not afraid to die।